the narrative that was built. कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल साबरमती के संत लेकर a narrative which humiliates and insults all our revolutionaries who gave their lives struggling for the freedom of India, for the freedom of Bharat. It insults the Azadit Fauj. It insults the ratings of Navy which revolted. But the narrative was built because it suited the political interests. Please tell me a single history book which says that after Second World War, the only government which did not surrender to the allied, victorious allied forces was Azad Hind. सारी दुनिया ने अपने सरेंडर कर दिए थे, आजाद हिंद सरकार ने सरेंडर नहीं किया था, 11 कंट्रीज ने उसको रिकॉग्नाइज किया हुआ था, अकेली आर्मी इसने सरेंडर नहीं किया एलाइड पावर्स के आगे, आजाद हिंद. और इससे पहले मैं सिंह साहब को अगला डायलॉग के लिए बोलूं, एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा. युद्धों के इतिहास में सिंगापुर के अंदर 1941 के अंदर जो 80,000 ब्रिटिश सोल्जर्स का सरेंडर था जापानियों के आगे, उतना बड़ा सरेंडर दुनिया में तब तक कभी नहीं हुआ था. उसके बाद दूसरा जो हुआ है वो बांग्लादेश में हुआ है नियाजी का, जो 93,000 फोर्सेस के साथ नियाजी सरेंडर कर. और ये एक बहुत बड़ा ह्यूमिलेटिंग एस्पेक्ट था ब्रिटिश फोर्सेस के लिए. और दूसरा ह्यूमिलेशन हुआ जब उन 83,000 में से लगभग 40,000 वो अंग्रेजी सेना को छोड़ करके आजाद हिंद सेना में शामिल हुए और देश की आजादी, जिस खबर को अंग्रेजों ने लगातार छुपाया, उनकी प्रोपेगेंडा मशीन ने छुपाया, और जिस तरीके से उन्होंने छुपाया उसी तरीके से हमारे नेताओं ने किसी किताब के अंदर आप ये नहीं देखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस महीनों जा जा करके बॉर्डर के ऊपर सैनिकों के साथ उन्हीं की तरह पिट्ठू पहन के उन्हीं के साथ उन ट्रेंचेस के अंदर रहे, वही खाया वही पिया, उनको लीड किया फोर फ्रंट्स किसी का. और एक लीडर कोई मुझे दुनिया में ऐसा दिखा दीजिए जो 3-3 महीने सबमरीन में रहा नेवी की, जिसने इस तरीके से लीड किया हो बॉर्डर में. और इस तरीके से लीड ही नहीं, माउंट पोपा के ऊपर जब जनरल शाहनवाज कह रहे हैं उनसे कि आप आगे मत जाइए, 5 किलोमीटर आगे ब्रिटिश फौज है, लड़ाई हो रही है, और वो जवाब देते हैं कि अंग्रेजों ने अभी कोई ऐसी बुलेट नहीं बनाई है जो मुझे लग सके, लाठी खाते हुए भी डरते थे. मुझे कभी कभी हंसी आ जाती है, एक टीवी डिबेट में मैं था तो एक प्रवक्ता थे पॉलिटिकल पार्टी के, नेहरू जी 13 बार जेल गए थे, बिल्कुल गए थे, लेकिन जो मैं आपसे अब पूछूंगा वो आपको नहीं मालूम होगा. नहीं, ऐसी क्या चीज है जो हमें नेहरू के बारे में, मुझे बताइए 13 जेलों में से एक जेल बता दीजिए जिसमें नेहरू जी ने चक्की चलाई, कोलू चलाया हो, जिसमें उन्हें ऊंचा लटकाया गया हो, जिसमें उनको सोलिटरी कन्फाइनमेंट में भेजा गया हो, जिनमें उनको बर्फ की सिल्ली पे लिटाया गया हो,
एक जेल बता दीजिए इन 13 जेलों में से, और आप कंपेयर करते हैं सावरकर के साथ। नहीं माफीनामा, मैं कह जरा वो नाभा जेल का उठा के देख लीजिए, वो मोतीलाल नेहरू ने भेजा था मृतकों को। और अगर अंग्रेजों की चाकरी की आप बात करते हैं, तो नेहरू ने जब इंटर मिनिस्ट्री के अंदर शपथ ली थी तो किंग को मान के क्यों शपथ ली थी? हिंदुस्तानियों का बेवकूफ बना के 15 अगस्त को जो है फैलाया गया कि आजादी मिल गई हमें, मैं चैलेंज करता हूं कि कोई इतिहासकार और कोई पॉलिटिशियन आके बैठ जाए और जो कहते इस बात को कि आजादी मिली थी। द ओनली वांटेड डोमिनियन स्टेटस, द ब्रिटिश किंग एब्डिकेटेड द थ्रोन ऑफ इंडिया ऑन 22 जून 1948। माउंटबेटन टुक द ओथ ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन द नेम ऑफ किंग। और स्वदेशी स्वदेशी करने वाले इन महात्मा जी को, जो सबको स्वदेशी का पाठ देते थे, जब भारत का गवर्नर जनरल बनाने की बात आई तो इन्हें अंग्रेज मिला, और प्राइम मिनिस्टर बनाने की बात आई तो वो व्यक्ति मिला जिसने खुद कन्फेस किया था कैलेबर्ट को, यूएस एम्बेसिडर को, कि परहैप्स आई एम द लास्ट ब्रिटिश टू रूल ओवर इंडिया। लीव असाइड, वी विल कम बैक टू द मिलिट्री एस्पेक्ट्स एंड ऑल। सो सिंह साहब आए, मैं सिंह साहब, मैं आप लोगों को कोई मतलब एक स्ट्रक्चर्ड लेक्चरर वो नहीं देना चाहता, मैं सिर्फ आपके सामने वो फैक्ट्स रखना चाहता हूँ जो फैक्ट्स हमारी किताबों के अंदर मौजूद हैं, इनको कहीं डाला नहीं। मैं जिस समय रेड फोर्ट के अंदर नेताजी और आईएनए वाला म्यूजियम बना रहा था, इस चीफ हिस्टोरियन, दो डॉक्यूमेंट्स रिवील हुए मेरे सामने, मेरी आंखें फट गई थी। चर्चिल ने MI5 के थ्रू नेताजी के कत्ल करने के ऑर्डर दिए थे, और ये ऑर्डर कैरो और टर्की के अंदर जो MI5 के एजेंट्स थे, उन एजेंट्स को बकायदा लिखित भेजे। मुझे एक कांग्रेस का लीडर बता दीजिए जिसको अंग्रेजों ने इतना खतरनाक माना हो कि उसको देश से बाहर अंडमान या मांडले भेज दिया गया। कत्ल करवाना तो बहुत दूर की बात है, सिर्फ 3 कांग्रेस के लीडर हैं जिनको देश से बाहर भेजा गया जेलों में। सबसे पहले लाला जहाज भतरा है, उसके बाद बाल गंगाधर तिलक, और तीसरे सुभाष चंद्र बोस, तीनों को मांडले भेजा। उससे पहले अजीत सिंह गए थे, लेकिन अजीत सिंह जो चचा थे भगत सिंह जी के, लेकिन अजीत सिंह कांग्रेस को, किसी कांग्रेस के नेता से अंग्रेजों को ये शिकायत और ये डर नहीं था कि वो हमें कोई नुकसान पहुंचा सकते। लेकिन बोस के कत्ल की ऑर्डर कराए गए, और ऑर्डर उस समय वो फेल हो गए क्योंकि वो बर्लिन चले गए मॉस्को के पास। उसके बाद लगातार बोस को मर्डर कराने के प्रयास कराए गए हैं, 2 बार रंगून में कराए, नहीं कर पाए। ब्रिटिश इंटेलिजेंस बॉर्डर के ऊपर रही हुई है उनके पीछे, कहाँ वो मौजूद है, किस गाँव में, लगातार उनकी कार तक को लेकर भी फायरिंग की जा रही है। मतलब एक जगह तो ये हुआ है कि 40 किलोमीटर बोस जो है बर्मा के अंदर एक वो बर्मी वाली वो जो केन की टोपी होती है वो पहन के और बैलगाड़ी पे बैठ करके, और उनके ड्राइवर जो है उसने वो गाड़ी चला दी उनकी, जिससे अंग्रेज समझे कि वो बॉम्बे चल गया गाड़ी। दूसरी बात, के 93 लोगों को नेताजी ने बैटल ऑर्डर्स दिए, जैसे आज हम परमवीर चक्र देते हैं, महावीर चक्र देते हैं, इस तरीके से उस समय बनाए गए थे, तकमाए शेरे हिंद, तकमाए बहादुरी, 7 कैटेगरीज के मेडल्स थे। आज भी हमारे बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि विक्टोरिया क्रॉस किसको मिला, आयरन क्रॉस किसको मिला, अंग्रेजों की तरफ से लड़ने के लिए। लेकिन इन 93 लोगों में से एक का नाम भी किसी बच्चे को नहीं मिला। पहली बार मैं इस किताब के अंदर उनको रिसर्च करके, मैंने करीबन 62 नाम मालूम थे, फिर मैंने फाइल्स ढूंढ ढूंढ के 93 नाम है, हो सकता है और ज़्यादा भी उनमें
एक्शन निकाले कि क्या लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी, लेकिन वो नहीं बताया। आप सोचिए कि ये भी हिस्ट्री के अंदर एक अनोखी चीज है कि एक हारी हुई आर्मी वो देश को जीत दिला, और ऐसे नहीं है ये, वो न्यू कि 60,000 लोगों से वो अंग्रेजों के जो माइटी अमेरिकन और फोर्सेस है उसे जीत नहीं सकता, लेकिन उसका जो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होगा। फिर नई किताब जो आ रही है, मतलब जो देश के अंदर उस समय मूवमेंट खड़ा हुआ है आजादित फौज के जो ट्रायल लाल किले में हो रहे हैं उनको छोड़ने के, इस तरीके का मूवमेंट 1857 के बाद उस देश में नहीं देखा। कमांडर इन चीफ, आप समझिए कमांडर इन चीफ ब्रिटिश फोर्सेस का कोई छोटा आदमी नहीं है हिंदुस्तान में, ओखेनक, वो वाइसरॉय को खत लिखता है कि इन 1857 टाइप सिचुएशन हैज एमर्ज्ड एंड इफ वी हैव टू स्टे इन इंडिया वी विल हैव टू रीकॉन्कर इंडिया एंड फॉर दैट आई विल नीड 1,00,000 यूरोपियन सोल्जर्स। क्या स्थिति हो गई? और उसके बेस पे 31 दिसंबर 1945 के दिन फेवल किंग को लिखता है कि वी मस्ट कॉम्प्रोमाइज एंड रीच एन एग्रीमेंट एल्स देयर विल बी ए मूवमेंट मच मोर स्ट्रॉन्गर देन 1942 विच वी विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल। अंग्रेजों के सामने 45 में ये बिल्कुल क्लियर हो चुका था कि वो हिंदुस्तान में नहीं रह सकता। वो ये भी अप्रिहेंड कर रहे थे कि इलेक्शन के बाद में 46 में हो सकता है बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा, क्योंकि सारी रिपोर्ट उस समय का पीरियड देखने पुलिस स्ट्राइक है, उस समय 4 स्टेट्स के अंदर गवर्नमेंट सर्वेंट स्ट्राइक कर रहे हैं, जो आर्मी के अंदर टेक्निकल सिविलियन यूनिट्स है वो स्ट्राइक कर रही है, कई स्वीपर्स की स्ट्राइक हो रही है, मतलब कोई सेक्शन इंडियन सोसाइटी का उस समय ऐसा नहीं था जो सड़क के ऊपर नहीं। नेहरू खुद कह रहा है कि मैं हैरान हूं कि मूवमेंट कैसे खड़ा हो, और जो रोल है उस समय प्रेस का, मैं सलाम करता हूं हिंदुस्तान के एडिटर्स को उस समय के, क्योंकि अंग्रेजों की हुकूमत भी नहीं रही थी 47 अगस्त तक, लेकिन उस समय पे बोस की फोटो छापना, बोस की सारी स्पीचेस छापना जो अंग्रेजों के खिलाफ थी, एक अखबार ने तो बोस के हिटलर तक के साथ फोटो छापी 1945 में, कि जो अंग्रेजों का डर था वो वार सीक्रेसी एक्ट और डिटेंशन एक्ट और ये वो किसी की परवाह नहीं की। इन अखबारों ने ट्रिब्यून पंजाब के अंदर, अमृत बाजार पत्रिका, अभ्युदय, बॉम्बे क्रॉनिकल, इश्यू हेरल्ड, ये इस तरीके के। एक और जो ये सिख साहब ने हमें बताया शादी की शादी, इसमें तो 3 बातें करी गई, रवि अनिता बोस जो है ये कमेंट करती है कि मेरे पिता ने गलती की साहब, गलत लोगों के साथ पूरी भी रिसर्च की है, उन्हें पढ़ा है कि वो क्यों गए थे, सोशल मीडिया में मैंने तो बहुत दुनाई की, इसने ब्लैकमेल करने की कोशिश की हमारे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को, साहब मैं स्टैचू पे तब आऊँगी जब आप ये विश्वास दिलाए लिख करके कि वो अस्थियाँ वहाँ से आ जाएगी जापान से, किसकी अस्थियाँ, किसी जानवर की अस्थियाँ रखी हुई है, क्योंकि इट्स प्रूव्ड बियॉन्ड डाउट कि देयर वाज नो प्लेन क्रैश। यस, द मिस्ट्री स्टिल टू बी रिजॉल्व्ड कि व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट। जिस आदमी ने, कर्नल रामचंद्र राव ने, जो नेताजी का पर्सनल फिजिशियन था, जो सैगॉन में उस दिन आखिरी दिन तक उनके साथ था, जो अकाउंट उसने दिया खोसला कमीशन के सामने कि वो प्लेन फ्लाई कर गया, हमको इंस्ट्रक्शंस थी कि आप तुरंत एयरपोर्ट छोड़ देंगे,
मैं किसी काम से वहां रुक गया। 10 मिनट बाद वो फ्लाइट वापस लौटती है और दूसरे रनवे पर उतरती है और नेताजी उस प्लेन से नीचे उतर के आ जाते हैं और उस प्लेन का जो पायलट है उसको उनके कुछ कपड़े और सामान दे दिया जाता है। और फिर कहता है जब नेताजी मुझे देखते हैं वहां पर तो मेरे ऊपर बहुत गर्व हो गए कि तुम कैसे कर रहे हो। और कहता है उसके बाद 4 दिन हम साथ रहे, उनका बीपी हाई था, सबमरीन का वो इंतजार कर रहे थे, हिरारी की हिकारी कीकन और जर्मन एजेंट से मिलकर वो सबमरीन अरेंज की और वो सबमरीन से छोड़ दिया। उस शख्स को आप विश्वास करेंगे? पहले तो जिगर काचा से मुल्तान भेज दिया। यहां तो ये कहा गया कि लाल किले के ट्रायल्स खत्म हो गए हैं, अब किसी पे मुकदमा नहीं चलेगा 3 जनवरी को। और 3 जनवरी को ही 4 जनवरी को स्पेशल ट्रेन चलती है जिगर काचा के बंगाल के कैंप से, जिसमें 1029 लोगों को ब्लैक कैटेगरी देकर के मुल्तान भेज दिया। 1947 के बाद मुल्तान पे किसका क्या हुआ नहीं मालूम, लेकिन इतना मालूम है कर्नल रामचंद्र राव को जब छोड़ा गया मुल्तान की जेल से, और ये 48 के अंदर जनवरी में वाघा बॉर्डर क्रॉस के जब हिंदुस्तान में आए तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया हमारे हिंदुस्तान की तरफ से। चार्ज क्या लगाया कि इन्होंने बाइसिकल चोरी की। उसके बाद इनको आगरा की जेलों में और कटक की जेलों के अंदर हथकड़ियों और पेड़ियों में रखा गया। इमेजिन डॉक्टर कर्नल ऑफ आजाद फौज पर्सनल फिजिशियन और नेताजी वाज केप्ट लाइक दिस टिल 1972। उस ला कमीशन के सामने वो जब उससे पूछा गया तुम्हारा एविडेंस क्या है, इट्स वेरी डायरी जो मैंने उस समय लिखी थी। बोले वो डायरी कहाँ है? कहता हाईएस्ट अथॉरिटी। क्या तुम नाम लोगे इस हाईएस्ट अथॉरिटी का? उसने कहा मेरा हाल आप देख ही रहे। तो जैसे वकील पूछते हैं सवाल करते हुए, अच्छा ये तो बता दो कि वो डायरी तुमने तीन मूर्ति भवन में दी थी या साउथ ब्लॉक में दी थी? तो फिर कहता है कि नहीं मेरा हाल देखिए मेरा जवाब बोलो। फिर उससे पूछा जाता है कि तुम्हारे को हाईएस्ट अथॉरिटी के पास कौन लेके गया? तो दो नाम देता है, बीजू पटनायक और सचिवालय। उसके बाद कर्नल राव का क्या हुआ अपने आरटीआई की कटक की जेल के अंदर कि हमको उसका रिकॉर्ड दिया जाए? जवाब आता है कि साइक्लोन में उड़ीसा में वो सारे कागज मतलब नेताजी से रिलेटेड कोई फाइल हो खजाने की हो कुछ चीज की हो तो सारी फाइलें गायब हो गई। और कहानी एक अकेले हबीबुर रहमान के उसके ऊपर आप कहते हैं कि वो प्लेन क्रैश हो गया। अभी प्लेन क्रैश हो गया था तो नेहरू जी तुम उनके खानदान की जासूसी क्यों करवा रहे थे? 2012 तक ये हालात थी कि अगर कोई ऑथर नेताजी पे किताब भी लिखना चाहता है तो आईबी उसके यहां पहुंच जाती। एफ शाही की किताब है नेताजी के ऊपर द स्टिरिंग टाइम्स, तो उस किताब में जो मैंने पढ़ी वो किताब भारतीय आशा शाही जी जो आजादी पुरानी ट्रीटमेंट थी उनके बेटे ने मुझे भी किताब पढ़ने को, तो मैंने फोन किया, मैंने कहा सच्चे इसमें से वर्मा वाला चैप्टर था? बोला भाई साहब आपने पकड़ लिया। आज तक वो फाइल्स जो अराकान के अंदर पहली विक्ट्री होती है आजाद हिंद फौज की कर्नल मिश्रा लाइन्स के नाने लगी कर्नल मिश्रा के नाम पर, जब तक वो पोस्टेड रहे वहां पे लखनऊ के थे अंग्रेज जीत नहीं पाए उस एरिया में, उन लड़ाइयों की फाइल्स आज तक जो है डिक्लासिफाइड है। और आप हैरान होंगे कि फ्रांस के डिफेंस आर्काइव्स में एक फाइल है नेताजी को लेकर
जिस फाइल को 100 साल के लिए क्लोज कर दिया। ये वो फ्रेंच है जो बड़ी दुनिया में लिबर्टी और फ्रेटर्निटी और उसकी बात करते हैं कि भैया ऐसी कौन सी चीज है उस फाइल के अंदर जो तुम 100 साल तक छुपा के रखना चाहते, क्योंकि फ्रेंच इंटेलिजेंस की लगातार रिपोर्ट थी, दे नेवर बिलीव्ड इन द फ्रेंच प्लान, अमेरिकन इंटेलिजेंस नेवर बिलीव्ड इन द फ्रेंच प्लान, ब्रिटिश इंटेलिजेंस नेवर बिलीव्ड इन द फ्रेंच प्लान। एल्फ्रेड वैक करके शिकागो ट्रिब्यून का कॉरेस्पॉन्डेंट था, फेब्रुअरी 46 में उपराइज ऑफ एशियन कंट्रीज, वो बता रहा है कि सारी इन कंट्रीज के अंदर ब्रिटिश एजेंट्स फैले हुए हैं, वो चुन चुन के बंगाल से इंस्पेक्टर ले गए थे जो नजरजी पे नजर रखते थे, एंड दे हैव ऑर्डर्स टू शूट हिम एट साइट। ऐसे ऐसे कांग्रेस लीडर्स के बयान मैंने निकाले हैं जो INA के जब ट्रायल चल रहे हैं तो अंग्रेजों से कह रहे हैं अरे भाई तुमने इनका निपटारा वहीं पर शुरू कर दिया था, यहाँ पे हमारे सिर पे बड़ा क्यों ला करके बात। लीडर्स के एक और बहुत बड़ी बात जो छुपाई जाती है, जब ये कहा जाता है कि यो फाइटिंग फॉर फासिज्म और ये सब, तो ठीक है हिस्ट्री हिटलर बहुत बड़ा फासिस्ता है, नो एप्रिसिएशन फॉर हिटलर, लेकिन एक बात और हिटलर फासिस्ता, उसने रूस को मारा, रूस को बदल दिए, लेकिन भाई अंग्रेज तुम क्या, जितने तुमने दुनिया के अंदर मारे हैं, चाहे वो अमेरिका के रेड इंडियंस हो और चाहे वो एबोरिजिनीज हो ऑस्ट्रेलिया के, चाहे वो अफ्रीकन हो और चाहे भारतीय हो चाहे चीनी हो, उससे ज्यादा कभी आप दुनिया में किसी ने किया है। और पुरानी बात भी अगर कहते हैं छोड़ दीजिए, हिरोशिमा और नागासाकी में कितने मरे थे, एक ही को किसने चलाया था, जब ने तो नहीं चलाया, किस पे चलाया था, बच्चों और औरतों के और बूढ़ों के ऊपर, क्योंकि जवाब तो जापानियों के सारे बाहर के सोल्जर लड़ रहे थे, लेकिन सारी दुनिया फासिस्ट है आपसे। ये जो पोस्ट के ऊपर दिया गया लगातार उन्होंने क्लियर किया, आई हैव नथिंग टू डू विद व्हाट जापान एंड जर्मनी इज डूइंग इन जापान, निकलते ना जिसको एक बार आप लोग भूल जाते हैं, दबा दी जाती है बात कि बोस जब कलकत्ता से चले हैं, मैं तो मैं उसको एस्केप नहीं हूँ, लोग एस्केप कहते हैं, मैं कहता हूँ वेंट आउट ऑन अ ग्रेट विजन, क्योंकि पूरी प्लानिंग के साथ है, तो वो जर्मनी नहीं जा रहे थे, ही वॉज गोइंग टू रशिया, क्योंकि पूरी प्लान थी रशिया से हेल्प लेके आर्मी लेके नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस की तरफ से ब्रिटिश को अटैक, और एक और एक और हिडन फैक्ट में आपको बता दूं, लास्ट वो जापानी पिट्ठू था, जापानी कुत्ता था, भारत में अंग्रेजों के राज को जापानियों के राज से वो करना चाहते, अराकान में मूव करने से पहले 43 दिसंबर के अंदर जापानीज और आजाद इन सरकार के बीच एक एग्रीमेंट हुआ, और उस एग्रीमेंट की पहली शर्त यह थी कि जिन इलाकों को अंग्रेजों से आजाद कराया जाएगा वहां पे कहीं भी जापानी झंडा नहीं लगेगा, वहां पे सिर्फ तिरंगा लगेगा, उन इलाकों का जो प्रशासन है वो जापानी नहीं करेगा, वो आजाद हिंद दल के लोग करेंगे, जो नेशनलिस्ट ब्यूरोक्रेसी नेताजी ने किया। और एक तीसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज थी कि अगर कोई भी सोल्जर जापानी या हिंदुस्तानी अगर किसी स्त्री से दुर्व्यवहार करता है तो उसे तुरंत गोली मारती है, वाई दैट क्लॉज, नेताजी ने देखा था कि जापानियों ने कोरिया और चाइना में क्या किया था, जो आदमी अपने बंगाल के लोगों को जटनी कंपार्टमेंट से मरते हुए देखते थे, जय सिंह साहब ने कहा नेताजी लेफ्ट हिज फैमिली इन इंडिया टू फाइट फॉर द मदरलैंड, ही डिड नॉट लीव इंडिया टू मेक ए फैमिली ऑफ हिज ओन इंडिया।
एंड वी हैव टू लुक एट द फैक्ट्स। मैं इसीलिए ओपन चैलेंज करता हूं, चाहे वो डेथ की स्टोरी हो इनके, चाहे जैपनीज फासिज्म हो। डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बेस करके कोई भी मुझसे बहस कर रही एविडेंस देकर लफाजी में नहीं करता। व्हाट्सएप यूट्यूब यूनिवर्सिटीज पे मैं नहीं जाता। और एक लास्ट बात और कहूँ, एक ऐसे देखिए, एक तरह बात करते हैं हम अखंड भारत, जो आदमी अखंड भारत के लिए लड़ा, जिसकी फौज अखंड भारत के लिए लड़ी, जिसपे हर कौम के लोग मौजूद थे, उसको तो तुम कह दो इसने जिहादी पैदा किया। और जिस आदमी ने भारत तोड़वा के पाकिस्तान को मंजूरी दे दी कि पहले कहा कि पाकिस्तान विल बी ओवर माय डेड बॉडी, और फिर वाइसरॉय के आगे लिख दिया है वाइस हेड एनीथिंग अगेंस्ट योर स्कीम, वो इस देश में जिसने सब कुछ त्याग दिया, आजाद हिंद सरकार बनाई, आजाद हिंद का झंडा लगाया, उसको तो आप जापानी कुत्ता कह देंगे। और जो कहता है 47 के अंदर के आजाद हिंद के झंडे के अंदर इंडियन जैक लगाओ, वो इस देश में